किलोए के जूस हो गया या आंवले के जूस हो गया, तो सबका सेवन करने क्या नियम होता है, किस प्रकार सेवन करना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग बताई गई है और हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति की चिकित्सा और हर व्यक्ति का आहार भी अलग अलग होता है। तो जो ये गिलोय, आंवला, तुलसी, एलोवेरा इस तरह का जो प्रचार प्रसार करके जो जूस चल रहा है मार्केट में, उसको बिना चिकित्सक की सलाह से सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। मैंने पहले ही कहा कि जैसे पित्त प्रकृति की व्यक्ति हैं, है ना, वो यदि मान लीजिए तुलसी का जूस पीते हैं, है ना, तो उनको और गर्मी करेगा वो, तो गर्मी के कारण से उनको नुकसान हो सकता है, या उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए उसका भी निर्धारण वो जो व्यक्ति है वो नहीं कर सकते। वो देश काल बल के हिसाब से और व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से उसको चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक निर्धारण कर सकता है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से इन जूसों का उपयोग करना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभाव से वो बच सके।